टू माई चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने रोहू मछली की फ्राई बनाने की तरकीब बताने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पर चार टुकड़े मछली के लिए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, मसाले में मैंने 1 टीस्पून इमली का पल्प लिया है। यहाँ पर 1.5 टीस्पून नमक है, छोटा आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, जीरा पाउडर ली हूँ 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ली हूँ और यहाँ पर है 1/2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। और यहाँ पर सूजी रखी हुई है मछली को मसाला लगाने के बाद डिप करने के लिए। अच्छा, इन सारे मसालों को अब मैं मिला लेती हूँ। इसका पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा पानी लगेगा, थोड़ा सा व्यूअर्स, इसमें नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा तीखा खाना पसंद है तो मिर्ची ज्यादा ऐड करें, और अगर आप तीखा खाने वाले नहीं हैं तो आप अपने इस तीखे को कम भी कर सकते हैं। अब मैं मछली के टुकड़ों को लेकर इस तरह से मसाला लगाऊंगी। जो लोग इमली नहीं खाते हैं वो इमली को स्किप करके उसके बजाय लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर हाफ एन आवर ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब इसको मैं इस सोची में डिप कर करके तलूंगी। यू नो गाइस, मैं अपनी हर वीडियो में बताती रहती हूँ कि मैं कुकिंग ऑयल ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती, इसीलिए मैंने बस इतना ही कुकिंग ऑयल लिया है। फिर मछली जैसे जैसे तलने शुरू करती हूँ ऊपर से और थोड़ा 1 टीस्पून तक तेल डालूंगी। जब तक कि हमारा तेल गर्म हो जाता है हम मछली को सोची में इस तरह से डिप कर लेंगे। अब मैं थोड़ा थोड़ा तेल मछली के ऊपर डालूंगी। मछली को पकौड़ों की तरह कभी नहीं तलना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो तेल में ही सारा मसाला चले जाएगा, इसीलिए मसाला लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा तेल मछली पर डालेंगे। इसको 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसी तरह फ्राई करेंगे। मछली को ढके बगैर फ्राई करना चाहिए, मछली अगर आप करारी चाहते हैं तो, वरना आप अगर इस पर ढक देंगे तो मछली करारी नहीं बनेगी। 5 मिनट्स हो गए हैं, अब मछली को हम धीरे धीरे पलट देंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा फ्राई हो रहा है। और 5 मिनट के लिए इसे छोड़ते हैं। गाइस आप देख सकते हैं मछली अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं। देखा गाइस कितने सिंपल तरीके से हमने कितनी लजीज फिश फ्राई तैयार कर ली है। आप इसे खाएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, ये रेसिपी पसंद आई तो कमेंट जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी एक इजीएस्ट एंड डिलीशियस रेसिपी के साथ। टेक केयर।